हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इन टू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसके हम एक्सरसाइज थर्ड बी लगाने जा रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर सेलिंग एट 110 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, एनुअल इनकम, रेट ऑफ डिविडेंड, इतनी चार चीज़ तो हमें दी हुई है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्ट कितना हुआ है वो नहीं दिया है कि कितना शेयर्स में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट लगा है हमारा इसको खरीदने में। पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल टू ₹100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर
₹110। टोटल एनुअल इनकम भी दिया है, टोटल एनुअल इनकम ₹1680। रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको पता है 12%। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज एक्स। ठीक है, तो हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो टोटल अमाउंट पे ही मिलता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा अमाउंट था। तो इसका क्या मतलब है, x इंटू 12% इज इक्वल टू 1600 टोटल एनुअल इनकम। x इंटू 12/100 इक्वल टू 1680। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 168000/12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 में से 2 गया 4, 48 रेट है, 12 48 0 0 0। तो हमारा एक्स का अमाउंट आया 14,000। तो टोटल है, इसलिए हमारा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इक्वल टू ₹14,000। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये हमें नॉमिनल वैल्यू पे मिला है। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लीज 14 इंटू हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 14000 × 11 इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 15,400। तो टोटल क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, मैन ने कितना इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹15,400 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।